व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं व्हाई छत्रपति शिवाजी महाराज इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। अभी ये न्यू चैनल से वीडियो है, वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग, काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। छत्रपति शिवाजी महाराज एक चोर थे, डकैत थे, लुटेरे थे, जो अपने से ताकतवर मुगलों से खुले मैदान में लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए वो छुप छुप के वार करते थे। आज भी आपको इंटरनेट पर ऐसे कीबोर्ड वॉरियर्स मिलेंगे जो ऐसे अनएजुकेटेड कमेंट्स करते रहेंगे। गलती उनकी नहीं, गलती हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स की है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान समान है, लेकिन स्टेट बोर्ड के बाहर के हर टेक्स्ट बुक से वो मिसिंग है। हमने हमारे ऑडियंस को पूछा कि क्या आपको स्कूल में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सिखाया है। जवाब शॉकिंग था, क्योंकि हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक लोकल हीरो बनाए रखा है। लोगों को बचपन से यही पढ़ाया है कि मराठा और मुगलों में कोई अंतर नहीं था, दोनों अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, अपने फायदे की देख रहे थे, तो दोनों सेम ही हुए, राइट? डिफरेंस बस इतना है कि मुगल ज्यादा सक्सेसफुल थे, उनका इम्पैक्ट ज्यादा गहरा था, इसीलिए उनका इतिहास सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में क्या होना चाहिए, ये डिसाइड करने वाले हिस्टोरियंस का यही मानना है। चलिए आज ऐसे ही हिस्टोरियंस का भ्रम तोड़ते हैं, फैक्ट्स के साथ समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, और वो भी सिर्फ 3 पॉइंट्स में, जिनसे उनका इम्पैक्ट सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फैल गया, और उन्होंने लिटरली भारत को बचाया। आप में से कई लोगों को हमारी बातें अच्छी लगती है, आप हमारे वीडियोस देखते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। आप में से 60% लोगों ने आज भी उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। पॉइंट नंबर 1, शुरुआत इस मैप से करते हैं। आपने इस मैप को हर हिस्ट्री बुक में, हर ज्योग्राफी बुक में तो देखा ही होगा। भारत एक देश ना होता, भारत का ये नक्शा ना होता, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो। सोचिए, अगर आज के भारत पर एक तरफ से मुगल, एक तरफ से निजाम, एक तरफ से पोर्तुगीज, एक तरफ से अंग्रेज और एक तरफ से फ्रेंच अटैक करते तो। जिन अंग्रेजों ने हम पर 200 सालों के लिए राज किया, वो 17th सेंचुरी में ही भारत पर कब्जा करना चाहते थे। सोचिए, उन्हें रोका किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो पोर्तुगीज और मुगल मिलकर देश को तबाह कर देते। पोर्तुगीज की नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और मुगलों की इन्फेंट्री। पोर्तुगीज को पानी में हराना इम्पॉसिबल था और मुगल जमीन पर बहुत ताकतवर थे, लेकिन इन दोनों के शक्ति से ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की बुद्धि थी, जिसके दम पर उन्होंने पोर्तुगीज से काफी फायदेमंद संबंध बनाए। छत्रपति को पता था दैट द पोर्टुगीज कैन नॉट बी ट्रस्टेड। वो अपने नहीं है, लेकिन उन्हें हमारा दुश्मन बनाना जरूरी भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने समझौता किया कि पोर्टुगीज मराठाओं के अगेंस्ट मुगलों का साथ नहीं देंगे। यानी अगर छत्रपति ना होते तो अलग अलग कॉर्नर से भेड़िए देश को नोच खाते। पॉइंट नंबर 2, शायद आपने नोटिस किया होगा कि भारत के साउथ में जितने भव्य मंदिर हैं, उतने भारत के नॉर्थ में नहीं दिखते। रीजन है आइकोनोक्लाज्म, यानी एक देश की आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश। इसी आइकोनोक्लाज्म के चलते भारत में कई मंदिर डिस्ट्रॉय किए गए, इसके बारे में हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। यही सेम प्रोसेस ग्रीस में हुई और ग्रीस का एंशियंट कल्चर खत्म हो गया, लेकिन उत्तर भारत से होने वाले आक्रमण को हर बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने रोका, और सिर्फ रोका ही नहीं, वो न्याय की एक बुलंद आवाज बने। तमिलनाडु में थिरुवनामलाई और समुत्तर पेरुमल, ये दो प्रोमिनेंट टेम्पल्स हुआ करते थे, जिनकी प्रसिद्धि भारत के हर कोने में थी। इन्हें तोड़कर लूटा गया और इनके टूटे हुए पत्थरों से मॉस्क्स कंस्ट्रक्ट हुई। दोस्तों, छत्रपति की तरह मुझे भी मॉस्क्स के एग्जिस्टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर पंथ के लोगों की छत्रपति ने रिस्पेक्ट की थी, लेकिन एक पंथ को नीचा दिखाकर, गिराकर, लोगों के मन में डर बसाकर ऊपर वाले को खुश नहीं किया जा सकता। डोमिनेट करके कभी भी नहीं, शैतान का काम होता है। ये बात छत्रपति जानते थे, इसीलिए उन्होंने मॉस्क्स को गिराकर वहां फिर से मंदिर बनाए। मुझे पता है कि कई लोग पूछेंगे कि प्रूफ कहाँ है,
तो कर्नाटक राज्यकाल सविस्तर चरित्रम पढ़ लीजिए, प्रूफ आपके सामने होगा। पॉइंट नंबर 3, छत्रपति ने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा। अक्सर कई लोगों को हिंदवी स्वराज्य कहने में भी डर लगता है। आज कई लोग सोचते हैं कि हिंदू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ा पाप है। सेक्युलरिज्म के बोझ के तले हम हमारी आइडेंटिटी ही इरेज कर रहे हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये क्लियर कर दिया था कि ये देश लोकल्स का हमारा है, आपका है, सबका है। और इस देश की ब्यूटी यही है कि हम हर एक को वेलकम करते हैं। इस वेलकम की जो रिस्पेक्ट करते हैं वो इस देश के अपने हैं। और जो इस वेलकम को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, घूमकर हम पर ही उल्टा वार करते हैं, वो इस देश के एनिमीज हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये बात हमेशा के लिए साफ कर दी थी, इसीलिए आज भी उन्हें एक मैनेजमेंट गुरु के तौर पर देखा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज से और कौन से लेसन सीखने जैसे हैं, हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया, क्योंकि उनकी लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए सच्चाई के पक्ष में ही थी। इसीलिए उन्होंने कभी भी एक वॉर जीतने के बाद औरतों का रेप नहीं किया, घरों को नहीं लूटा, खेतों को नहीं उजाड़ा। हर एक काम जो एक लुटेरा करता है, जो एक चोर करता है, जो एक डकैत करता है, छत्रपति ने नहीं किया। He was the true people's king. यानी उन्होंने इस देश की बाउंड्रीज, इस देश के कल्चर, इस देश के इंडिपेंडेंस के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के आखिरी वाइसरॉय थे, उन्होंने कहा, Had शिवाजी been born in England, we would not only have ruled earth, but the whole universe. हिटलर ने कहा कि आपको अगर स्वराज्य चाहिए तो शिवाजी जैसे लड़ना सीखो। इवन उनके सबसे बड़े एनिमी औरंगजेब ने कहा था, या अल्लाह, यू गेव मी एन एनिमी फियरलेस एंड अपराइट, प्लीज कीप योर डोर्स टू हेवन ओपन फॉर हिम, बिकॉज द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड लार्ज हार्टेड वॉरियर इज कमिंग टू यू। तो एक सवाल आज के हिस्टोरियंस से, जिन लोगों का हमारे देश से कोई संबंध नहीं, जो पराए हैं, वो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो हम क्यों? पॉइंट ये है कि हर उस इंसान ने जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास गौर से पढ़ा, उसे उनका मोल पता था। वो उन्हें एक लोकल हीरो नहीं, एक नेशनल हीरो मानता है। लेकिन फिर भी आज शिवाजी महाराज जीतने वाले नहीं है, आज वो हार रहे हैं। 2016 से पहले एनसीईआरटी की किताबों में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सिर्फ एक लाइन हुआ करती थी। बहुत प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद एक चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ। प्रोग्रेस काफी अच्छी है, लेकिन क्या उनका पूरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक चैप्टर में कंक्लूड हो सकता? हर साल हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक वीडियो बनाते हैं और हर साल ऐसा ही लगता है कि बोलने जैसा कितना कुछ है। और यही कॉन्ट्रीब्यूशन, यही हीरोज की कहानियां हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से मिसिंग। ये वीडियो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं है, ये वीडियो हर उस समाज सुधारक के बारे में है जिसने भारत में परिवर्तन लाया। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसे समाज सुधारकों से प्रॉब्लम क्या है? चलिए कुछ फैक्ट समझते हैं। आज अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इतिहास पढ़ाया जाता है। जिस स्टेट का जो राजा फेमस है वो उस स्टेट के बच्चों को पता होता है, लेकिन स्टेट के बाहर जाओ तो किसी को कुछ पता नहीं होता। हाँ, कई नाम सुना सुना सा लगता है, पुतला देखा सा लगता है, किसी सड़क का या एयरपोर्ट का नाम उस लोकल हीरो का नाम होता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है? नाम किसी के भी हो सकते हैं, नाम विलन्स के भी हो सकते हैं। जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था, उसी नालंदा यूनिवर्सिटी के बगल में आज भी बख्तियारपुर नाम का एक स्टेशन है। और यही होता है जब हमें हमारा इतिहास पता नहीं। एसएल बैरप्पा कहते हैं कि स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में फैक्ट्स होने चाहिए, आइडियोलॉजी नहीं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने 1960s में हमारे स्कूल टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज करने के लिए एक कमेटी एस्टेब्लिश की थी, जहाँ भैरप्पा जी ने एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाया कि औरंगजेब और टीपू सुल्तान के बारे में बच्चों को पता होना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी उनके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में जानना भी है। जब इस नेगेटिव इम्पैक्ट को टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड करने की बात हुई तो क्या हुआ, कमेटी ही बर्खास्त हो गई और इसे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल कह के टेक्स्ट बुक्स में से हटा दिया गया। मानो कि हमारे इन्वेडर्स को व्हाइट वॉश करने का हमारे लीडर्स ने ठेका उठाया हुआ था। और मुझे लगता है कि ये व्हाइट वॉश करने की प्रथा आज भी चली आ रही है। रिमेम्बर, देश के आधे कॉन्फ्लिक्ट्स आधी अधूरी हिस्ट्री पढ़ने की वजह से ही। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि ये तो पुरानी बात है, आज टेक्स्ट बुक्स चेंज हो गई है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कई लोगों को पता होगा। देन माय फ्रेंड, यू आर रॉन्ग। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के अकोला में एक इंसिडेंट हुआ, जहां स्टूडेंट्स ने छत्रपति और अफजल खान के बीच हुई लड़ाई को स्टेज पर प्रेजेंट किया।
लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन कर दी कि ये हमारी रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, और इस इंसिडेंट के बाद मामला गर्मा गया। आगे जाकर कुछ बड़ा ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इसीलिए जिन स्टूडेंट्स ने नाटक प्रेजेंट किया था उन्हें स्टेज पर जाकर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन क्यों? ये तो हमारा इतिहास है, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, मूवीज में बार बार देखा है। तो इतिहास में हुई एक घटना स्टेज पर दिखाने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसीलिए पड़ता है क्योंकि हम अलग अलग लोगों को अलग अलग इतिहास सिखाते हैं ताकि उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। आज तक हम इस बात को समझ नहीं पाए कि फैक्ट्स छुपा कर हम सेक्युलर नहीं बनते, डायलॉग से हम सेक्युलर बनते हैं। क्यों हम आज भी अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग बोर्ड्स में, अलग अलग रिलीजन्स के लिए अलग अलग इतिहास सिखाते हैं? ये सवाल इम्पोर्टेंट है। छत्रपति को याद रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक इंसान एक बार नहीं दो बार मरता है। एक बार जब वो इस दुनिया से मिट जाता है और दूसरी बार जब वो हमारी यादों से मिट जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने स्वराज्य का सपना देखा। आज हम उसी स्वराज्य का हिस्सा हैं, लेकिन अब हमें इसी स्वराज्य को मजबूत बनाना है, इस देश को जोड़े रखना है, और ये काम आसान नहीं है। इसीलिए जिन्होंने पहली बार स्वराज्य की बात की उसके बारे में देश के हर बच्चे को जानना इम्पोर्टेंट, और इसीलिए हम हर साल हमारे वीडियोस के थ्रू उनकी बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखते हैं, आपको नए नए किस्से सुनाते हैं। 1% ही क्यों ना हो, हमारी तरफ से नॉलेज को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आप भी इस काम में हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, इन आवर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स वी आर नेवर टॉट इंडियन हिस्ट्री, वी आर टॉट द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। जो देश हमारे विक्ट्रीज से ज्यादा हमारे डिफीट्स को सेलिब्रेट करता है, जहाँ हीरोज से ज्यादा विलन्स का नाम फेमस होता है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए महाराणा प्रताप, लचित बोरफुकन, बाजीराव पेशवा की कहानियां हमें आप तक पहुंचानी है, क्योंकि हमारे इतिहास के हीरोज को इतिहास बनने से रोकने से मुझे फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया वीडियो। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब मैंने जब स्कूलिंग करी हर एक चीज, तो मुझे भी झूठ नहीं बोलूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज नाम ऐसे था कि नाम सुना सुना ऐसे, और जब से YouTube आया है मैं एक थैंकफुल हूँ जो इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं क्रिएटर्स, जो कि हमारे इतिहास को, हिस्ट्री को बताते हैं हम तक, जो कि कई बार क्या होता है जब टेक्स्ट बुक्स में इतना नहीं होता तो एटलीस्ट जो तरीका रहता है ना वीडियोस का, उनसे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। देखोगे ना तो मुगल हो गए, ये कौन कौन थे, जैसे औरंगजेब, ये जितने भी, जैसे अकबर, औरंगजेब, बहुत सारे नाम है, ठीक है, इतना जितना इनके हमारे बॉलीवुड ने, हाँ। हमारे बॉलीवुड ने ऐसा दिखा दिया, जोधा अकबर बना के, औरंगजेब की और मूवी बना के, जैसे वेब सीरीज बना के, हाँ। ऐसा दिखा दिया कि भैया सब कुछ नॉर्मल था, ये बहुत अच्छे थे, ये बहुत हीरो थे, और ये कि ये इंडिया के पार्टी थे, कि ये जैसे होता ना कि जैसे दो मोहल्ले में आपस में लड़ाई होती है, तो इन्होंने ऐसा बना दिया कि ये इंडिया के पार्ट थे यार, ये बस इनमें आपस में रंजिश थी, ऐसे था ऐसा। और ठीक है, अगर तुम्हें टेक्स्ट बुक्स में नो डाउट कि तुम्हें अपनी हिस्ट्री दिखानी चाहिए, लेकिन एक चीज देखो ना, जिन्होंने तुम्हारे देश में आके कब्जा करा, लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया, मतलब डराया धमकाया, आप उन्हें दिखा रहे हो, लेकिन उनका सामना किसने किया, उनसे लड़ा कौन, है ना, उनसे अपने देश के लिए उसमें लड़ा कौन, उनके बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं। अगर देखेगा भी मुझे याद नहीं है कि कहीं मैंने हिस्ट्री बुक में बहुत ज्यादा कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज या बहुत सारे उनको बता रहे कि मैंने कभी कुछ ऐसा सुना होगा, लेकिन अगर देखो ना मुगल एम्परर ये वो, मतलब ये भरे पड़े थे यार। चेंज, इसलिए कहते हैं चेंज अगर सही डायरेक्शन में हो तो बहुत बढ़िया। बताओ जैसे सारी, जैसे अगर रामायण थी या जैसे गीता हो गई, ठीक है, महाभारत हो गई, ये तो वो गए, जैसे रामायण में भी यार रावण का बताया है तो राम जी भी तो थे, ये तो ऐसा हो गया बस एक एक साइड की स्टोरी बता दी कि हाँ भाई ये थे। बल्कि रामायण आप पढ़ोगे तो उसमें बताया गया हर एक चीज, बताया गया कि रावण कितना विद्वानशाली था, वो तो उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि उस वजह से बड़ा भक्त था ये वो। वीडियो इंटरेस्टिंग थी, और मैं चाहता हूँ कि अपनी जो जनरेशन है ना, आप इंजॉय करो लाइफ, आप मॉडर्न तरीके से इंजॉय करो हर चीज, लेकिन डिजिटल इंडिया का सही तरीके से इस्तेमाल भी करें। कौन सी
केरला स्टोरी, उसमें उसने लास्ट में अपने फादर से एक ही चीज बोलती है, वो कि तो बताना चाहिए था ना आपने कभी बचपन से, आपने ये तो पढ़ाया कि उनका कल्चर मतलब अलग अलग उसका धर्म का क्या कहता है, आपने कभी ये नहीं सिखाया बचपन से कि हमारे धर्म में क्या है, हमारा धर्म क्या सिखाता है, उसने वो अपने फादर को लास्ट में यही चीज बोली थी। इसलिए कहते हैं अपनी रूट्स, अपना हिस्ट्री आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं कभी, टेक केयर।